अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन सदराज किचन। सो आज मेरे किचन में बन रहा है काली दाल की खिचड़ी, जो कि एक ट्रेडिशनल डिश है। और कुछ लोग काली दाल की खिचड़ी को पीली खिचड़ी की तरीके से पकाते हैं, बट ये कि जो इसकी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है कि काली दाल की खिचड़ी स्पेशली इसका मसाला किस तरह बनेगा और क्या उसकी शक्ल आनी चाहिए, तो आज मैं अपने चैनल पे आपको उसकी ट्रेडिशनल रेसिपी दिखा रही हूँ। तो काली दाल की खिचड़ी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक जो है वो अनियन ली हुई है, 1 मीडियम अनियन, उसको कट किया हुआ है, और थोड़ा सा गर्म मसाला हमने लिया हुआ है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून है। और हमने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो मीडियम बंच, ये मैंने धनिया लिया हुआ है, कोरिएंडर लीव, ये मैंने लिए हैं, जो आजकल जो है बिल्कुल ओरिजिनल जो हल्दी आती है, जो अदरक के तरीके से होती है थोड़ी, तो वो मैंने ये हल्दी ली हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये एक अनियन है जिसको मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं, और मैंने ली हैं 7 हरी मिर्चें स्मॉल, ठीक है। तो इससे मैं बनाऊंगी जो है वो पेस्ट मसाला, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट थे काली दाल की खिचड़ी के। इसके अलावा ये दाल है जो मैंने ऑलरेडी सोक करके रखी हुई है, तो ये दाल अच्छी तरह सोक हुई हुई है ये, ठीक है। तो दाल हम लेंगे और राइस लेंगे, जो कि राइस भी मैंने ऑलरेडी सोक करके रखे हुए थे, तो दीज आर राइस, ठीक है। तो ये सोक हुए हुए राइस है हमारे पास, तो दाल और राइस को हम रखते हैं कॉर्नर पर और अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ एक डेगची ले ली है डिश। अब हम स्टोव को ऑन कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले इसके अंदर जो है हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप देख सकते हैं, हमेशा मैं अंदाजे से ऑयल डालती हूँ, तो आप यह देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि सिर्फ चावल जो है वो मेरे पास 1/2 किलो चावल है, 2 कप चावल है, ठीक है। तो मैंने तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल लिया है, ये तकरीबन 1/4 कप है, ठीक। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये इंग्रेडिएंट्स, जो प्याज है और गर्म मसाला, ठीक। ये बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल डिश है, इजी रेसिपी है, आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अब मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और अभी कुक होगी, ठीक। फ्लेम मैंने हाई ही किया हुआ है। अब जब तक ये अच्छी तरीके से फ्राई होती है, मैं यहाँ पर अपना मसाला प्रिपेयर कर लेती हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको ये दिखाए थे, ठीक है, अब मैं इसका मसाला बना लूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ये मसाला प्रिपेयर करूंगी, ये सारी चीजों का, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ सारा धनिया जग में, और ये अदरक, प्याज, हरी मिर्चें ये डाल दिया है मैंने। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ मैं देखती भी जाऊंगी कि मेरी प्याज हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं इसी के अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये डाल रही हूँ, अच्छे तरीके से। तो साफ करने के लिए मैं जो है अपना स्पैचुला यूज कर लेती हूँ, और स्पैचुला से ये होता है कि इजीली सारी चीज़ें सफाई से आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि थोड़ा सा मिक्सचर अच्छा सा बन जाए। पानी मैंने डाल दिया यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर, और अब मैं अच्छा
अच्छा, इसी मसाले में हम क्या करेंगे कि हमारे पास हल्दी तो मैंने डाल दी थी, अब ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा सा सूखा धनिया है, सूखा धनिया डालूंगी और नमक है, ये नमक डालूंगी। ठीक है, तो नमक, ये सारी चीजें इसी मसाले में डालूंगी। मीनवाइल हम अपनी प्याज देख लेते हैं। अब हमारी जो प्याज है वो अच्छे तरीके से हो रही है। ठीक है, हम देख सकते हैं हमारी प्याज कितना लाल हो रही है। बना लिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको फिर जब तक आप पेस्ट में निकाल रही हूँ, अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरीके का मेरा पेस्ट बन चुका है। ठीक है, इस तरह का ग्रीन पेस्ट बन जाएगा ये, आप देखें। ठीक है, अब यहाँ हम अपनी, जब तक हमारी प्याज हो रही है लाल, हमने अपना ये बैटर भी बना लिया है। अब हम अपने इस बैटर में जो है वो डाल रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह मैं सारी चीजों को ऐड कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल, और देखते जाइए कि क्या क्या ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, अपने ग्रीन मसाले के अंदर। आप यहाँ देखें, ठीक है, इसमें मैं ऐड करूंगी ये एक चम्मच जो है 1 टीस्पून के बराबर, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। ठीक, और तकरीबन 1/2 टीस्पून तक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये धनिया पाउडर, और इसी में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के ये नमक का। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और अब हमारी प्याज भी तकरीबन ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे ये सारी चीजें डाल रहे हैं इसके अंदर। ये मसाला हमारा आ गया है, ये बेसिकली हरे मसाले की बनती है, हरे मसाले की काली दाल की खिचड़ी। ये हरा मसाला अब पकेगा, अब मैं इसको फ्लेम को कर देती हूँ फुल। ठीक है, और यहाँ पर जो रह गया है इसको मैं यहाँ पे अपने स्पैचुला से साफ करके सारा निकाल लूंगी मटेरियल। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह पकने देंगे, जब ये अच्छी तरह पककर भुन जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दाल, जो हमारी भिगी हुई दाल है। ठीक है, वो ऑलरेडी नरम हुई। जी, तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये हमारा मसाला भुन रहा है, और ये भुनने के स्टेज पे है। अब इसको हमने और पकाना है अच्छी तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह मैंने इसको भुना है। ठीक है, देखते जाइए। अब देखें, ये अब हमारा मसाला जो है ये थिक होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा हम इसको पकाते जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे जैसे थोड़ा सा थिक होता जाएगा हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल सेपरेट ना कर दे। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बबल्स भी आ रहे हैं और ये ऑयल भी छोड़ता जा रहा है, तो हम इसको तरीके से पकाएंगे। ठीक है, जो आपकी ब्लैक मसूर की दाल है तो येलो मसूर की दाल तो ट्रेडिशनली बनाते ही हैं सब उसकी खिचड़ी। तो ब्लैक मसूर की दाल, क्योंकि अल्लाह ताला ने मल्टीपल दालें बनाई हैं और हर दाल के अंदर अपनी जो है वो स्पेशल प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन तो हमें हमेशा लेनी चाहिए, प्रोटीन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, इम्यूनिटी के लिए।
तो मल्टीपल तरीके की चीज़ें हमें लेनी चाहिए दिन भर में, ताकि हम न्यूट्रिशियस जो अपना न्यूट्रिशनल लेवल है हम उसको मीट कर सकें, और हमें कार्बोहाइड्रेट भी पूरे दिन में लेने, प्रोटीन भी लेना है, सब चीज़ें। और जो है जब हम मल्टीपल टाइप की प्रोटीन लेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि एक चीज़ पर हमें फोकस नहीं करना होता है, हमने अपनी डाइट को डाइवर्स बनाना है, मतलब तरह तरह की चीज़ें हमने खानी है ताकि हमारी एक वैरायटी आ जाए खाने में, ठीक है। तो हर तरीके की दालें खाएं, हर तरीके का जो है गोश्त जो है अवेलेबल है, सब्जियां हैं, फल हैं, अपने तरीके से जो है जिस तरह आपको पसंद है आप उस तरीके से इन चीज़ों को आप खाइए, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भुन रहा है, ठीक है, और जो है ऑयल भी सेपरेट हो रहा है और ये भुनता जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से इसको और पकाऊंगी, ठीक। थोड़ी सी मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो लंबी होती हैं, बट ये कि मैं ये चाहती हूँ कि आप ईच एंड एवरीथिंग और ईच स्टेप आप जो है वो देखें अपनी आंखों से आप, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है ना तो उसमें मज़ा नहीं आता, फिर आप ये सोचते रहेंगे कि ये चीज़ इन्होंने कैसे की थी। तो वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए बट ये कि काम आपको सीखने को पूरा मिलेगा, ठीक है, ये हो क्या रहा है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और ये मसाला मेरा अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी दाल, ये मेरी ऑलरेडी सोख हुई हुई दाल है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने ये दाल डाल दी है सारी, इसको मैंने ऑलरेडी, अगर आपके पास दाल सोख नहीं हुई भी वॉश तो कर लीजिएगा, ठीक है, साफ़ करने के बाद, सोख नहीं हुई भी तो आपने इसको ज़्यादा देर दम पे लगाना है, क्योंकि दाल हमने थोड़ी सी जो है समझे आप हाफ हमने दाल को गलाना है और हाफ जो है ये चावलों के साथ गल जाएगी। तो मैंने बहुत अच्छे से सोख की हुई थी तो मुझे इतनी परेशानी नहीं है कि मेरी दाल कच्ची रह जाएगी, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए दम नहीं लूँगी, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा दम देती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पानी डालती हूँ, ठीक, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको कर दूंगी लेट थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम में नोट कर लेती हूँ। और ये ऑलरेडी मेरे पास जो दाल थी ये 1.5 आवर, मेरे ख्याल में 1.5 आवर बिल्कुल सोख हुई हुई थी मेरे पास, ठीक है, तो मुझे इतनी ज़्यादा उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको फिर गला के दाल फिर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैंने थोड़ी देर के बाद ये लेड हटाया है और अब मैं इसमें एक चम्मच और भर के, दो चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया है, इस वजह से क्योंकि अभी चाहे नमक थोड़ा सा तेज़ हो जाए, चावल डालेंगे तो सेट हो जाएगा और नमक के साथ जब दाल गलेगी और पकेगी ना तो दाल के अंदर भी अच्छा जायका आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैं चेक भी कर लेती हूँ दाल के क्या स्टेटस है, थोड़ी सी कसर है अभी, तो थोड़ी सी की कसर के बाद जस्ट आई थिंक 2 से 3 मिनट और ढकते हैं, उसके बाद चावल डालेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम इसका लेड हटा रहे हैं और एक दफ़ा मैं इसे चलाऊंगी और दाल हमारी हाफ डन हो चुकी है, ठीक। अब मैं इसके अंदर डायरेक्टली डाल दूंगी चावल, सारे चावल मैंने इसके अंदर डाल दें, चावल भी मेरे पास कोई दाल के साथ ही मैंने भिगो दिए थे तो ये आधा 1-1.5 घंटा ये भी भिगे हैं, इसलिए मैंने इनको पानी से निकाल के रख दिया था। तो जब चावल भी अच्छे खासे भिगे हुए हैं तो मैंने इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी वरना ये हलवा हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे हमें अच्छे खिले खिले से राइस चाहिए तो मैं इनको दम पे गलाऊंगी, ठीक है। अब ये हो गया है हमारे पास, अब मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, आप देखते रहिए कितना अंदाजे से पानी डाल रहा है। मेरा अंदाज़ा ये है कि जो चावल और दाल हैं ये भीग जाए, ठीक है, इतना कि ये दोनों चीज़ें भीग जाए, खुश्क नज़र ना आए, ठीक। थोड़ा सा यहाँ मैंने और डाल देना है, हम इसको फुल फ्लेम कर देती हूँ तो फुल फ्लेम पर थोड़ा पकेंगे ये जो है,
मेरे राइस और दाल बिल्कुल इतने हो गए हैं कि बिल्कुल ढक गए पानी से, ठीक है। तो इतना अंदाजा मेरे घर में इतना बहुत है, इनफ है ये पानी। और अब जो है इसे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इसका मसाला बन के सारा हो गया। अब मैं इसको फुल फ्लेम पे पका रही हूँ, थोड़े से इसके अंदर बबल्स आएंगे। नमक मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, ठीक है, स्पून से भी चेक कर सकते हैं आप। तो नमक सही है, थोड़ा सा और डालती हूँ मैं इसमें, थोड़ा सही लगी, हाफ तकरीबन हाफ टी स्पून में इसमें और डाल दी। अच्छा, जब आप पानी डालते हैं ना तो पानी के बाद जब आप नमक चेक करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लगना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपके चावल पक जाएंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल टेस्ट सही आएगा, ठीक। तो अब हम टेस्ट चेक करें, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो है वो थोड़े से बॉयल आ जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिर दम किस कब लगाना है। अच्छा जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इसके अंदर जो है वो बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये गर्म हो गया है पानी, बबल्स आ रहे हैं, जब तक ये पानी हमने फुल फ्लेम किया हुआ है, ठीक है। इसको आहिस्ता फ्लेम पे नहीं छोड़ना है, चावल गल जाएंगे पर पानी नहीं सूखेगा, ठीक है। तो हमने फुल फ्लेम पे ही मैं इसके वाटर को एवापोरेट कर रही हूँ और ये बबल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, फिर मैं इसे दम पे लगाऊंगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चावल का पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है, ठीक है। तो ये खुश्क हो रहे हैं पानी, जब तक मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। थोड़ा सा पानी रह भी जाए इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से जब मैं अपने खिचड़ी को लगा रही हूँ दम और फ्लेम को कर रही हूँ बिल्कुल लो, ठीक है। तो कोई 15 से 20 मिनट में इसको दम लगाऊंगी और फिर डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो जी, बन गई है ये मज़ेदार सी और बहुत ही प्यारी खुशबूदार जो है ये काली दाल की खिचड़ी, आप कह लें काली दाल का पुलाव, काली दाल के चावल, और ये बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत जो है बने हैं ये नरम नरम चावल, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ये खुशबू है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको महसूस कर सकेंगे आप इसको अच्छे तरीके से कि ये कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। और जब तक नई रेसिपी के साथ हम आएंगे फिर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।